सावन जी। हाँ जी जी फरमाइए। सावन जी, फिल्म खलनायक और खलनायिका के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रहा है उसका आधार क्या है और आपके लिए इस तरह के वाद विवाद कहाँ तक मायने रखता है? क्या कंट्रोवर्सी? आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो भी मुझे मिलता है हर दूसरा आदमी यही सवाल करता है, कंट्रोवर्सी किस बारे में? कंट्रोवर्सी आप जरा अपना सवाल क्लियर कर लीजिए। कंट्रोवर्सी ये है कि सुभाष घई संजय दत्त को लेकर बना रहे हैं खलनायक और आप अनु के साथ बना रहे हैं फिल्म खलनायिका। इस बात से सुभाष घई को आपत्ति है कि खलनायक को देखते हुए आपने खलनायिका बनाई। खलनायिका कंट्रोवर्सी इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, आई मस्ट टेल यू ऑल। तो मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर भल्ला, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। इज अ राइटर, इज बिन राइटिंग इन पास्ट माई फिल्म्स। उन्होंने मुझे सुनाया, मुझे बहुत पसंद आ गया। मैंने कहा ठीक है हम बनाते हैं। हमने उसके बारे में सोचा कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। सोचते रहे तो एक दिन मैंने भल्ला जी से कहा कि इसका टाइटल क्यों ना खलनायिका रखा जाए। तो उन्होंने कहा ये नहीं यार, सुभाष घई हमारा दोस्त है, उसको कहीं बुरा ना लग जाए। तो मैंने उनसे कहा कि हम सुभाष जी से पूछ लेते हैं, अगर उनको बुरा लगेगा तो हम कोई और टाइटल रख लेते, आफ्टर ऑल छोटी सी इंडस्ट्री है, साथ रहना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, प्यार है। तो तकदीर की बात देखे, उसी शाम को मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा के यहाँ डिनर था, उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया, वहाँ सुभाष जी भी आए। तो मैंने सुभाष जी से पहले ही आके सवाल किया, सुभाष जी मेरे पास एक सब्जेक्ट है, मैं इस तरह से उसका टाइटल खलनायिका रखना चाहता हूँ, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो कैन आई कीप दिस टाइटल? तो उन्होंने बड़ी शान से सर उठा के कहा कि वाई नॉट कीप इट। मैंने कहा फिर तो आप क्लैप देने आएंगे? तो उनका ऑफ कोर्स मैं क्लैप देने भी आऊँगा और क्लैप भी बजाऊँगा। अभिनेता हो या आदमी, नर हो या नारी, इन्हीं से निकलते हैं नायक और नायिका। दुनिया खलनायकों से भरी है, इसीलिए मुझे बनना पड़ा खलनायिका। गुड लक। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही कोई गाना हिट हो जाता है उस धुन पे कई गाने बन जाते हैं। ये कहाँ तक सच है कि आपने चोली के पीछे से प्रभावित होकर आंचल के अंदर गाना बनाया? सर, सुभाष घई साहब ने तो अभी चोली का गाना बनाया है। सच ये है कि जब मैंने गाना ये रिकॉर्ड किया मेरी फिल्म के लिए, तब मुझे नहीं पता था कि सुभाष जी का वो गाना कोई रिकॉर्डेड है चोली पर। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो मेरी एक बहुत ही हिट फिल्म थी सौतन, उसमें सबसे पहले मैंने चोली का गाना लिखा था और उसके शब्द थे कि मेरी पहले ही तंग थी चोली, ऊपर से आ गई बैरन होली। तो आप ही बताइए, क्या सुभाष घई साहब ने सौतन से पहले चोली का गाना रिकॉर्ड किया था? और क्या चोली शब्द किसी का उस पर कॉपीराइट है? अगर है तो क्या वो सुभाष जी का है? इसका मुझे नहीं मालूम। तो चोली शब्द कोई भी यूज़ कर रहा है। इसके बाद मैंने सुना कोई 10-15 म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने चोली पे गाने रिकॉर्ड किए। मेरा काम है फिल्मों में एक्टिंग करना, मुझे बाकी क्या कंट्रोवर्सी होती है, किसके बीच में क्या झगड़ा होता है, क्या सुलह होती है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इसका अच्छा होगा वो चलेगा, और दोनों अच्छे हैं दोनों चलेंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। डरता वो है, कंट्रोवर्सी वो क्रिएट करता है जो कहीं कमज़ोर होता है। आई एम नॉट ए वीक मैन, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई प्रोडक्ट। इट विल वर्क, इट विल रन, इट विल बी लव्ड बाई पीपल एंड पीपल लव इट।